केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड में हाल के दिनों में घटित घटनाओं के कारण उत्पन्न विधि व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर राज्यपाल ने भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग, नक्सल गतिविधियों को लेकर चिंता जताते हुए रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मुद्दों को लेकर आने वाले बजट सत्र और पंचायत चुनाव में राज्य की विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब इस मसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल को भाजपा का एजेंट बता दिया है। महामहिम इस राज्य के अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं, लेकिन अगर गार्जियन किसी के एजेंट के रूप में काम करने लगे तो स्वाभाविक तौर पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। राज्यपाल महोदय को अपनी पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास जी के सरकार की भी आकलन और आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर राजभवन है तो हमें लगता है कि ये संवैधानिक ढांचे की धज्जियां उड़ रही है और राज्यपाल महोदय एजेंट के रूप में काम ना करें। वहीं बीजेपी इसे राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व बताते हुए मुख्यमंत्री पर ही सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य के मुखिया की चुप्पी इसे विस्फोटक बना रहा है। राज्यपाल का यह संवैधानिक दायित्व होता है, चूंकि वो राज्य के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन्होंने अपना दायित्व निर्वहन किया कि जो वस्तु स्थिति है वहाँ की, खासकर भाषा विवाद के बाद से जिस तरह से सामाजिक विद्वेष बढ़ा है और कई जिलों में तो लोग आमने सामने हो गए, टकराव की मुद्रा में आ गए, उसके अलावा उग्रवाद की स्थिति हो या 1932 के खतियान की बात हो, इसको लेकर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, सरकार के मुखिया एक शब्द नहीं बोलते हैं और कहीं ना कहीं उनके मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं, जो कैबिनेट में उनके साथ बैठते हैं, वही लोग बाहर आकर सारी नीतियों का विरोध भी करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि गृह मंत्रालय की भेजी गई रिपोर्ट पर क्या एक्शन होता है, लेकिन इस पूरे मामले पर फिलहाल झारखंड की राजनीति गर्म है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।